एजुकेशन फेयर की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस एजुकेशन फेयर की खासियत यह है कि इस एजुकेशन फेयर में फ्लाई टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल एकेडमी ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस स्टॉल की क्या कुछ खासियत है, क्योंकि जिस तरह से नाम है फ्लाई टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल एकेडमी, क्या कुछ करवाता है फ्लाई टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल एकेडमी? हमारे साथ खुद इस यहाँ के जो ओनर है अभिषेक जी, अमेरिका से पहुँचे हैं। सर, बात कर लेते हैं फ्लाई टू कॉलेज क्या मतलब है इसका, और आफ्टर स्कूल एकेडमी क्या करवाता है? तो मैडम, बेसिकली तो हम एंड ओनर हमारी वाइफ है निधि अग्रवाल, वो CEO है। मैं अमेरिका से गेस्ट स्पीकर हूँ, हम 25 साल से अमेरिका में ही हैं। तो ये हम पैशन के साथ ये जर्नी जो हमारे काफ़ी लोगों ने की, अगर आप वहाँ देखेंगे सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये हमारे बच्चे जो यहाँ से हमारे साथ करके, कोई आज गूगल में काम कर रहा है, कोई AMD जैसी कंपनियों में US सिटीजन, तो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि जो राइट प्रोसेस है, कि आप कैसे राइट प्रोग्राम चूज़ करो। जो अगर डिजर्विंग बच्चा है राइट, उसके लिए मनी बॉटलनेक नहीं होना चाहिए, मतलब टैलेंट हैज़ नो लिमिट। तो हम उनको सही बताते हैं कि कहाँ पे आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलेगी, कहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, कहाँ पे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिलेगी, कहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, कौन से रैंकिंग्स अच्छे हैं US न्यूज़ में। सो बेसिकली द गोल इज़ टू मेक देम द लीडर, राइट? वी मेक देम सिटीजन्स ऑफ टुमारो। द पॉइंट इज़ नॉट टू जस्ट गो टू अमेरिका, द पॉइंट इज़ टू गो टू अमेरिका एंड क्रिएट अ नेम फॉर योरसेल्फ। सो वी केटर टू दैट। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं राइट, जब आप हमारे यहाँ आते हो कि मतलब जैसे किस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, कि जो आप स्टैंडर्ड एग्जाम्स वगैरह लो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे हमारा इंटीग्रेशन इनटू अमेरिकन लाइफ मॉड्यूल है, क्योंकि हम वी आर बेस्ड इन अमेरिका, हमारा सैन फ्रांसिस्को से 2 घंटे दूर कैलिफोर्निया फॉल्सम हमारा हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो उनको हेल्प करती है कि आप एक बार US चल जाते हो, फिर वहाँ पे भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन से कोर्सेज लेने हैं, आपको अमेरिका में आपका रहने का, खाने का, सिंपल सिंपल चीज़ें, एक सेलफोन लेने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। तो वी प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज राइट। आज अगर आप हमारे स्टॉल पे आएँ कि सर हमें अमेरिका जाना है, हम वहाँ से लेके अगले साल आपको अमेरिका में पहुँचाने तक और वहाँ आपको बसाने तक वी डू एंड टू एंड, क्योंकि ये पूरा एक साल का लगभग प्रोसेस होता है। तो हम आपका जैसे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, वो तो कोई भी लिखता है, बट जैसे होता है ना, ड्राइव तो कोई भी कराएगा, बट आप मारुति ड्राइव करना सीख रहे हो कि फरारी ड्राइव करना सीख रहे हो, उसमें फ़र्क है। तो हम आपको वो सिखाते हैं कि आप फरारी कैसे ड्राइव करो कि आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंचो, कि जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन कमिटी होता है, वो आपके लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन में क्या देखना चाहता है, वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या देखना चाहता है, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं हम उसको इंटरनेशनली इवेल्युएट कराते हैं कि वो इक्विवेलेंट टू अमेरिकन कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट्स के कौन से कोर्सेज आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता, जैसे यहाँ पे इंडिया में BTech का प्रोग्राम 4 साल का होता है, US में ईयर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं, 120 क्रेडिट्स लेने होते हैं, वो आप 2 साल में ले लो, तो आप वो प्रोग्राम 2 साल में कर सकते हो, आप 2 साल में बैचलर्स कर सकते हो। यहाँ पे MTech का प्रोग्राम 2 साल का होता है, वहाँ पे MTech में आपके 30 क्रेडिट्स होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो 9 महीने में क्रेडिट्स पूरे कर लेते हैं। तो अगर आप मेहनत से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो हमारे 25 साल का एक्सपीरियंस है, वी कैन टेल यू द इनसाइट्स कि लाइक यू नो, आप जैसे लोग खर्चा जोड़ते हैं राइट, कि मनी बॉटलनेक है भाई, 4 साल की जगह आपका 2 साल का ही खर्चा लगेगा राइट, क्योंकि आपने वो काम जल्दी कर लिया। और हमारे बैंक्स के साथ टाई अप्स है राइट, इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट यू कैन टेक अ लोन राइट, एंड यू कैन ऑलवेज पे इट बैक वंस यू गेट अ जॉब। तो हम बेसिकली व्हाट डिफरेंशिएट्स अस, कि ऐसे तो हजारों दुकानें हैं, बट हम जो चीज़ें बताते हैं, और चूंकि हम वहाँ से बेस्ड हैं, आपको इनसाइड नॉलेज की कैसे प्रैक्टिकली आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 50 में जाके अपने आप को अमेरिकन लाइफ में इंटीग्रेट करें। सो दैट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनी अदर टॉम डिक एंड हैरी हु इज़ इन टू दिस बिजनेस, एंड वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। मीन्स लाइक यू नो, इफ यू से एंड सी, अब जैसे हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपको अमेरिका का वीसा गारंटेड देंगे। अगर कोई भी संस्थान आपको ये बोलता है, तो हम बोलेंगे आप वहाँ कुर्सी से उठिए और भागिए, क्योंकि कोई आपको गारंटी, हम क्या करेंगे, हम आपको पूरा वीसा का प्रोसेस बताएंगे कि राइट वे राइट, वीसा ऑफिसर क्या देखता है, दे बेसिकली प्रोफाइल यू, सो दे लुक एट योर बॉडी लैंग्वेज। तो हम आपको बोलेंगे कि क्या सही चीज़ें कीजिए कि आपको सारा प्रोसेस हो, आपको वो चीज़ मिले। अगर हमको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोलेंगे कि सर आप इतने पैसे दे दो आपका हो जाएगा, हम बोलेंगे सर आपका नहीं हो सकता, ये चीज़ें आप करो, मतलब वी डू इट विथ पैशन, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी।
So that differentiates us from anyone else because it's not just a shop. It's a shop where you come to make your life, to make your career. It's not a shop where you come just to go somewhere and become a worker. We are creating leaders of tomorrow. We are not creating workers of tomorrow. So there's a big difference between that. Like, you know, we are making your career, right? We are not just sending you abroad. So basically, we want you to, like, you know, become CEOs of companies. We want you to become vice presidents of company. Like, you know, make a name for our country, make a name for you and for your family. Uska ek process hai, right? See, hard work aur sahi process ke alawa kitne log kya hota hai? Direction bhatak jata hai. Gaadi ko jana hai, Delhi gaadi pahunch jati hai Panipat. Kyunki track hi galat bata diya. Paise le liye aur galat track pe dal diya. हमें अगर वो ट्रैक हम आपको बोल देंगे आप इस ट्रैक पे नहीं चल सकते छोड़ दीजिए बट हाँ बट बिकॉज योर करियर इज योर लाइफ वी आर हेयर टू मेक योर लाइफ नॉट टू प्ले विथ योर लाइफ बिकॉज द लॉट ऑफ पीपल राइट दे विल जस्ट प्ले विथ योर लाइफ फॉर मनी सो विल टेल यू द राइट वे राइट सो दैट योर ट्रेन इज गोइंग टू द राइट स्टेशन एंड ऑन टाइम सो यू बिकम लाइक यू नो लाइक लुक फॉर यू आर मेकिंग योर लाइफ सो हम वो आपका करियर उस टाइप से करियर बनाएंगे मतलब वी डू अ कंप्लीट करियर काउंसलिंग सर एक सवाल ये है जैसे कि आपने बताया कि अगर आप बच्चों को भेजते हैं उनको सही गाइडेंस देते हैं कि आपको किस तरह से जाना चाहिए लेकिन बात करें इन प्रेजेंट क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे एकेडमीज हैं जो दो नंबर में बच्चों को बाहर भेजने का सपना दिखाते हैं जैसे कि आपने बोला कि हम पहले पैसे नहीं लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आजकल वो कह रहा है बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं कि हम आपको इतने महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा लेकिन बाद में होता है कि उन पर विश्वास नहीं हो पाता है तो हम ये कह सकते हैं ट्रस्टफुली है फ्लाई टू कॉलेज आप एकदम कह सकते हैं और मैं देखिए मैं किसी और के बारे में मैं कुछ बोलने के लिए आ नहीं खड़ा हूँ मुझे बाकी लोग क्या करते हैं या कैसे भेजते हैं मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है बट मेरा अगर बच्चा जाएगा तो मैं चाहूँगा कि वो जाके वहाँ पे मान लीजिए गूगल का सीईओ बने मैं नहीं चाहूँगा कि वो जाके वहाँ एक बर्गर किंग में या गैस स्टेशन में काम कर रहा है अपना देश क्या बुरा है मतलब वहाँ मजदूर बनने नहीं जा रहे हो तो बेसिकली अगर आप किसी और तरीके से जाते हो तो आप उस सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट हो गए ना आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा पहले तो आप वो इलीगल हो गए वो तो काम ही नहीं कर सकते वो तो काम ही गलत है तो मतलब कि तो आपकी तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है दूर भागना चाहिए क्योंकि मान लीजिए आप ना मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं बिना वहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर के आप कुछ नहीं कर सकते ना एक सेलफोन ले सकते ना एक गाड़ी ले सकते ना ड्राइवर्स लाइसेंस ले सकते यू आर टोटली हैंडीकैप्ड सो इट्स बेसिकली मैंने आपको एक आइलैंड पे भेज दिया और भाई मैंने मेरा काम तो था भेजना अब तुम भुगतो अब वो एक गलती की सज़ा आप पूरी ज़िंदगी भर भुगतोगे एंड मतलब आई डोंट नो इफ दिस थिंग्स हैपन बट इफ समबडी इज़ डूइंग इट राइट यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग दैट पर्सनस लाइफ क्योंकि फिर वो बंदा सही तरीके से कभी अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि आपने उसके जो एक उसका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला था आपने उसको गलत रास्ते पर डाल के पहले ही उस चैप्टर को दी एंड कर दिया चैप्टर टू पे जाने के पहले ही वो बंद हो गया तो वो रास्ता तो अख्तियार करना ही नहीं चाहिए मतलब रादर लाइक यू नो जस्ट डोंट डू इट तो आज जो है एजुकेशन फेयर में फ्लाई टू कॉलेज और आफ्टर स्कूल एकेडमी ने भी पार्टिसिपेट किया है जैसे कि सर ने बताया कि किस तरह से जो है बच्चों को बाहर भेजा जा सकता है किस तरह से जो है बच्चे फ्लाई टू कॉलेज पे भरोसा कर सकते हैं तो आपसे अपील आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें सर बात होगी फ्लाई टू कॉलेज की अब बात कर लेते हैं आफ्टर स्कूल एकेडमी किस तरह से बच्चों की हेल्प करती है सो आफ्टर स्कूल एकेडमी हमारा सेकेंड सेगमेंट है सो बेसिकली इट्स लाइक अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम राइट एक चीज़ जो हमने नोटिस किया राइट मतलब ना सिर्फ अमेरिका में इंडिया में हर जगह मतलब स्कूल्स में एक बच्चों को लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है राइट अब जैसे दुनिया दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही राइट टेक्नोलॉजी एडवांसेस एवरी सिंगल डे लाइक यस्टरडे लाइक यू नो वी हैड समथिंग एल्स टुडे वी हैड चैट जीपीटी एंड ऑल तो जो हमारा आफ्टर स्कूल अकेडमी है इट हेल्प्स यू टू क्रिएट योर पर्सनैलिटी मेक यू रेडी फॉर द फ्यूचर तो हमारे पास पूरा सेगमेंटेशन है अगर आप जैसे यहाँ देखेंगे ये हमारा फ्लायर है So basically we have courses with regard to artificial intelligence, robotics, coding, python, data sciences. एक हमारा इसमें academy है fun kids, उसमें आपके physical fitness based courses हैं arts and drawing king का और हमारा languages institute है English, Mandarin, French, Spanish, creativity है Legos and all. तो basically आपके बच्चे जब बड़े होते हैं right, उनको Newton's law के basis पे job नहीं मिलती है या उनको लॉज ऑफ ग्रेविटी पे
उनको बेसिकली ये हम लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं, राइट, मतलब अपने आप को लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और ये है ना, ये हमारे ओवर 500 स्कूल्स के साथ टाई अप हैं, राइट, मतलब अब्रॉड लाइक यू नो यूएस में, नेपाल में, इंडिया में, ये स्कूल के प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट होता है। डायरेक्ट कंज्यूमर का भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं, और सारे फ्लायर्स हैं। अगर आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ओनर हैं, डीन हैं, हमसे आके मिलिए, मतलब ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा वर्सेज एनी अदर स्कूल, बिकॉज यू विल गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट जो आपको एक पूरा ऑलराउंड करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोग्राम बताएगा। हमारा मिक्स एंड मैच प्रोग्राम है जो साल भर जो आपका एक मॉड्यूल एआई का बताएगा, एक मॉड्यूल लेगो का, सब मिला के, तो वी कैन फैक्टर इन डिपेंडिंग ऑन योर नीड। एजुकेशन फेयर की बात करें तो इस एजुकेशन फेयर में छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और खुद से पूछ रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। एक बच्चा हमारे साथ है, एजुकेशन फेयर में पहुंचा था, उससे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज हनी। एजुकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड वी कैन क्रैक एनी एग्जाम एंड वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज इजली एंड वी कैन टॉक टू एनी पीपल इन एनी लैंग्वेज एंड इफ वी वॉन्ट टू लर्न एनी थिंग सो वी कैन लर्न इट इजीली एंड वी कैन ऑल्सो क्रैक एनी एग्जाम ऑफ बिग क्लासेज ऑल्सो। थैंक यू। एजुकेशन फेयर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहो? इट्स वेरी गुड एंड हेयर आर सम टेस्ट्स ऑल्सो विद हेल्प ऑफ आर इम्प्रूव वी कैन डू आर इम्प्रूवमेंट सो फ्रॉम माई डिसीजन यू शुड ऑल्सो कम हेयर वंस। थैंक यू। बिल्कुल, छोटे से बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि ये एजुकेशन फेयर कैसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।